अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने शाही मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है फ्रेंड्स। ऑयल के बाद इसमें बटर डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच बटर ऐड कर लूँगी मैं यहाँ पर। अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो बटर जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा तेल डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स। हमारा बटर गरम हो गया है, अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज्ड ऑनियन को ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे हम। मैं यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर भून रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च कट करके और अदरक लहसुन ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स, इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पर देखिए। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट के बाद ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज टोमेटोस ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं अच्छे से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी क्योंकि नमक डालने से टोमेटोस थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से भून रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिड को बंद कर दिया है, सिर्फ 5 मिनट्स इसी तरह से मैं लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी फ्रेंड्स। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर टमाटर्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ देखिए। अब इसको गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ठंडा हो गया है देखिए, अब इसको मैं एक जार में डालकर इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। इसको ठंडा होने के बाद ही पेस्ट बनाइएगा फ्रेंड्स। इसको पेस्ट बनाकर अलग से साइड में रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर जो कढ़ाई में मैंने भुना था उसी कढ़ाई में मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और इसको अच्छे से थोड़ी लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑयल में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इसको मीडियम से लो फ्लेम में इसको भूनना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा मसाला जल सकते हैं बहुत लो फ्लेम पर। और उसके बाद जो मैंने मसाले पीस लिया था वो मसाले को मैं इसमें ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। फिर से हम इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं लिड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, यहाँ पर 3-4 मिनट्स हो गए हैं। फिर से मैं यहाँ पर चम्मच चला रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना टेस्टी लग रहा है। वैसे फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर के दाने, ये जो फ्रेश मटर के दाने हैं ना फ्रेंड्स, सच में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर 1/2 कप मटर के दाने ऐड कर रही हूँ। मटर के दाने को जो मसाले में है ना, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी फ्रेंड्स। ये जो मटर के दाने होते हैं ना, थोड़ा सा पकना ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो कच्ची स्मेल आ जाएगी ना, तो खाने के लिए इंटरेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं पानी को इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ पर देख कर ऐड कर सकते हैं, आपको जितना पानी चाहिए देख कर सामने से ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। वैसे मैंने मसाले भूनते वक्त उसमें नमक ऐड किया था फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा नमक डाल दिया है। फिर से यहाँ पर मैंने लिड बंद कर दिया है। तब तक मैं यहाँ पर नंदिनी पनीर को पीसेस में कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी फ्रेंड्स। ये 200 ग्राम पनीर है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है मैंने। ये मसाले भी अच्छे से पक रहे हैं फ्रेंड्स, ये मसाले पकने से ना जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए मैं
एक छोटी सी नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर डालकर पनीर को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है फ्रेंड्स, इससे टेस्ट सच में अच्छा आएगा। अगर आप पहले से ही फ्राई करके रख देंगे तो वो रबर की तरह मतलब अजीब सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बाद में इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए हमारे मसाले में कितनी अच्छी तरीके से ऑयल भी निकल आया है, सच में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं पनीर को ऐड कर रही हूँ। पनीर को मैंने ऑयल में थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाया है। देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसाले में, जो पनीर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून भी लिया था। अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ यहाँ पर जो धनिया पत्ता होता है ना, उसको बारीक कट करके लास्ट में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से हमारा मटर पनीर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको दम होने के लिए 5 से 10 मिनट तक बंद करके इसी तरह से छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए हमारा शाही मटर पनीर मसाला बनकर रेडी हो गया है। देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब लग रहा है और खाने में तो सच में फ्रेंड्स रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अब मैं जल्दी से इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।